निकिता हत्याकांड को लेकर गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से रोड जाम कर प्रदर्शन किया और इस नाजुक वक्त पर हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करते नजर आए। सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठे लोगों से और पीड़ित परिवार से बातचीत कर रोड जाम को खुलवाया गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की बात कही। निकिता हत्या मामले में लगातार जो है मामला तूल पकड़ रहा है। फिर से लोगों ने जो है हाईवे को जाम किया है, सोना रोड को जाम किया है और आप देख सकते हैं खुद जो है नयनपाल रावत जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और उन्होंने भी जो है धरने को समर्थन किया है। साफ तौर पर पूरा रोड आप देख सकते हैं पहले तस्वीरों में ब्लॉक किया हुआ है पूरी तरीके से और खुद नयनपाल रावत यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। पर अब जो यहाँ जो है लोगों ने इन्हें भी यहाँ पर रोक लिया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि विधायक नयनपाल रावत भी इस जो है पूरे जिस प्रदर्शन का जो है समर्थन करें। जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, क्या कुछ कहना है आपका? किस तरीके से क्या मानते हैं भाई? पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का केस डाल दे दिया है, फास्ट SIT गठित कर दी है, जितने भी दोषी वो पकड़ लिए गए हैं, जो इसमें और भी भूमिका बनाने में है उनको भी पकड़ लिया जाएगा। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार, जिस तरीके से देख रहा है SIT काम कर। न्याय जो होगा मिलेगा वो कानून संगत होगा, कानून के दायरे में होगा, जो दोषी है उनको पकड़ भी लिया गया और न्याय दिलाया जाएगा। कल भी इन्होंने रोड जाम किया था, आज फिर रोड पर बैठ गए, क्या लगता है क्या कितना सही है? अभी रोड खोल दिया गया है और इस तरह कोई प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम जो युवा अब इसमें डेली इस तरह की चीजें करेंगे तो इसका मतलब हम उसको बेटी के साथ हम राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये जाता है। तो बेटी की मौत पर राजनीति ना हो, रोड जाम ना हो और साथ इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला गया है, SIT गठित कर दी गई है, दोनों दोषी पकड़ लिए गए, जो इसमें और भी शामिल होगा उसको भी पकड़ा जाएगा। तो बिल्कुल जो नयनपाल रावत है विधायक है निर्दलीय, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी कोई दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। पूरी तरीके से SIT टीम काम कर रही है, फास्ट ट्रैक में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है पूरा मामला चला गया है और जल्द ही आरोपियों को सजा दी जाएगी। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।